हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे हम अपने फ़ोटो को एडिट कैसे करें। तो फ्रेंड, बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं, सर हमें कोई ऐसी ऐप के बारे में बताएं जिससे हम अपने फ़ोटो को एडिट कर पाएँ और भी स्टाइलिश बना पाएँ। तो फ्रेंड, आज एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊँगा जिससे आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं, जिसका नाम है फ्रेंड पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट ऐप से आप अपने फ़ोटो को और भी ज़्यादा डैशिंग और भी ज़्यादा स्मार्ट बना पाते हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिस पे भी आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक पा सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसे करेंगे एडिट तो इस वीडियो में सीखेंगे, और क्या क्या उस ऐप के अंदर मिलता है पूरा का पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में दूंगा। मैं मोहन, टेक्निकल मोहन लाई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर मैं आपके सामने आया एक नई वीडियो नई टेक्निक के साथ। फ्रेंड, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है उस पर क्लिक करके, बराबर में छोटा बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ऐसी टेक और ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड, आइए सीख लेते हैं कैसे हम पिक्सआर्ट ऐप को यूज करेंगे और क्या क्या उसके अंदर बेनिफिट। फ्रेंड, देख सकते हैं हमने अपना फ़ोन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपके सामने जो है ऐप का जो है पूरा का पूरा इंटरफेस इस टाइप से आ जाएगा। देख सकते हैं आपको इस टाइप का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है एक प्लस का ऑप्शन। प्लस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप प्लस के ऑप्शन क्लिक करते हैं, आपको चार ऑप्शन नजर आते हैं। पहला ऑप्शन है एडिट का, सेकंड ऑप्शन है कोलाप्स का, जैसे कि आप नॉर्मली फोटो क्लिक क्लिक करके अपना अलग अलग फोटो आप इसमें लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा ऑप्शन ड्राइंग का, ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो ड्राइंग भी बना सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आता है फ्रेंड, इसके अंदर अपना फोटो क्लिक करके अपने फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसमें आप चल लेते हैं। आप पहले हम इसमें एडिट के ऑप्शन में, एडिट के ऑप्शन में जैसे ही फ्रेंड हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। इसमें से आपने जो भी फोटो आपको एडिट करना है वो फोटो यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि हम एक फोटो ले लेते हैं इसमें से, तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने एक फोटो इसमें सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं नीचे के साइड में आपको ऑप्शन नजर आते हैं बहुत सारे, जिसमें आपको नजर आता है एक टूल्स का ऑप्शन। टूल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड आप टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर 15 से 16 आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, जो 15 से 16 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, 14-15 चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो अपने फोटो को एडिट करने में आपको काम में आ सकती हैं। पहले चीज़ है आपको, पहले पे हम क्लिक कर लेते हैं। पहले आता है फ्रेंड अपने फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, मतलब अपना अपने फ़ोटो को क्लियर करना, सफा करना, जैसे कि बहुत सारे देखा होगा आपने फोटो शॉप वगैरह में जाके फोटो को क्लियर क्लियरिटी वगैरह बनाना चाहते हैं तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये ऑप्शन दिया गया है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको आप यूज करके इससे अच्छा खासा फोटो बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आता है इसमें, देख लीजिए नीचे आपको ब्लर का ऑप्शन आ जाता है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसको आप यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि आप फोटो कभी कभार होता है तिरछा फोटो खींच लेते हैं, तिरछा फोटो खींचने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं इसमें से आप इसको सीधा, दाएं, बाएं, लेफ्ट, राइट, जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हैं। ऊपर नीचे जैसे बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड इसके अंदर बहुत बेहतरीन बेहतरीन दे रखे हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड नीचे आता है इफेक्ट का ऑप्शन। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे इफेक्ट पे, इफेक्ट पे जाने के बाद आपको देख लीजिए इधर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे, सर अपने फोटो का आप ब्लर कैसे करते हैं बैक साइड से? तो आप देख सकते हैं मैं जो भी अपना थंबनेल बनाता हूँ, अपने यूट्यूब वीडियो के लिए थंबनेल बनाता हूँ, तो पीछे का देखते हैं आप ब्लर होता है, तो मैं इसी से ब्लर करता हूँ। जैसे ही आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्लर पर क्लिक करेंगे तो ब्लर आ जाएगा, और अपना कोई भी फोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर देख लिए आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रबड़ के टाइप का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नॉर्मली जैसे ही आप चेहरे पे उसे फिंगर से आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारा जो ब्लर है वो चेहरे से हट गया है। इस हिसाब से फ्रेंड जो भी आप जहाँ से आपको ब्लर हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, और नॉर्मली आपके बैक साइड में ब्लर नजर आ रहा है तो इस टाइप से आप इसमें ब्लर का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, देख लीजिए आपको 6-7 ऑप्शन दे रखे हैं। कलर वगैरह का ऑप्शन दे रखा है, कलर वगैरह करना चाहते हैं अलग अलग कलर का है, जैसे कि आप नॉर्मली अपने ओनली अपने फोटो को ही ब्लर करना चाहते हैं तो ओनली फोटो पे ब्लर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ देख लीजिए एक से एक अपने कपड़ों का चेंज करना चाहते हैं, देख सकते हैं इसका कपड़ों का कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस टाइप से फ्रेंड अपने फोटो को एडिट कर सकते हैं। तरह तरह के आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, बिल्कुल बेहतरीन इफेक्ट मिल जाएंगे जिसको आप यूज़ करके अपने फोटो को अच्छी से अच्छी लुक दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं हम अपने स्टिकर का, देख लीजिए इसमें आपको स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे स्टिकर पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं तरह तरह के आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाएंगे, जो भी स्टिकर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमने ये दिल पे क्लिक किया तो ये फोटो आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉर्मली अलग अलग के स्टिकर भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे स्टिकर यहाँ पे मिल जाएंगे, तरह तरह के स्टिकर आप यहाँ से ले सकते हैं और अपने फोटो के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं हम इसे थोड़ा अपने फिंगर से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे भी आपको सेट करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ छोटा कर देते हैं हम इसे, ठीक है फ्रेंड, ऐसे सेट कर सकते हैं हम काई भी। तो इधर से आप अपने कोई भी
स्टिकर भी ले सकते हैं। स्टर के बाद आता है फ्रेंड कटआउट। कटआउट जैसे कि कटआउट अपने फोटो का बैकग्राउंड आपको काटना है तो इसके अंदर बैकग्राउंड काटने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं रेड कलर की जो आ रही है रेड कलर की आपको लाइनिंग खींचनी है, उसके बाद अपने फोटो को कटआउट कर सकते हैं। नॉर्मली अपने फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको करके दिखा देते हैं एक बार। जैसे कि हमने क्लिक किया तो आपको मैं नॉर्मली आपको स्पीड में बताऊंगा, आपको प्रॉपर करना है तो वो अच्छी तरह कर पाएंगे। जैसे देख सकते हैं जैसे कि मैंने किया तो फ्रेंड देख लीजिए हमने खींच दिए। खींचने के बाद फ्रेंड आप इसको क्या करना है, आपको सीधा ओके कर देना है। जैसे ही फ्रेंड ओके करेंगे तो आपके सामने देख लीजिए आपका जो है फोटो कटआउट हो जाएगा और आपके बैकग्राउंड जो है बिल्कुल रिमूव हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। जो आपने रेड कलर की लाइन खींची है वो आपको नज़र आएगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं आपको नज़र आ गई। अब इसको आपको और अच्छी तरह सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आपका जो है पूरी तरह जहाँ जहाँ से आपको नज़र आ आपको हो रखा है तो आपने यहाँ से पूरा अच्छी तरह अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपको इसे सेव पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड सेव पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से आपका जो है बैकग्राउंड पूरा का पूरा रिमूव हो गया है और बैकग्राउंड भी आप पूरा का पूरा रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से वन क्लिक के अंदर। ठीक है फ्रेंड, ये ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड हम अदर ऑप्शनों पे। जैसे अदर ऑप्शनों पे स्टिकर का कटआउट का देख लिया, उसके बाद आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं लिखना चाहता हूँ मेरा नाम है मोहन, तो हम मोहन यहाँ से लिख लेते हैं। जैसे हमने लिया राइट पे क्लिक किया, राइट पे क्लिक करने में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नाम आ चुका है। यहाँ हम ऐड करना चाहते हो जहाँ से आप अपना लेटर ले सकते हैं, जो भी आपको लेटर पसंद है यहाँ से आप ले सकते हैं। अच्छे अच्छे डिजाइन के लेटर आप यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट पसंद आता है यहाँ से आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ से चॉइस कर लेते हैं कोई। तो फ्रेंड देख लीजिए हमने ये ले लिया। उसके बाद फ्रेंड आप इसे छोटा बड़ा अपने फिंगर से कर सकते हैं, जैसा आपको करना चाहते हैं वो इसे खींच के बड़ा छोटा जैसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नीचे देख लीजिए आपको इसमें ऑप्शन मिलता है प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, उस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ बाय करना चाहते हैं फोन तो यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब चलते हैं अदर ऑप्शनों पर। चलते हैं अदर ऑप्शन पे जाने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है, अपने फोन का जो कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आपको अदर कलर कोई रखना है जो बिल्कुल ही लाइटिंग वगैरह में है, जैसे कि बैकग्राउंड अलग है तो आप कलर का इधर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन देनी है तो अंडरलाइन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। अंडरलाइन कैसी है देख लीजिए, ब्लैक में है, उसको वाइट में करना चाहते हैं तो वाइट में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आ जाते हैं आपको और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे देख सकते हैं इसको आप हल्का वार करना है तो वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं फ्रेंड। ठीक है, टेक्स्ट में जैसे कि आपको टेक्स्ट को खड़े टाइप में रखना है तो खड़े टाइप में भी कर सकते हैं, लेटर टाइप में करना है तो देख सकते हैं इसे अप डाउन जैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है, कभी कभार आप फोटो बनाते हैं इंस्टा पे डालते हैं तो इंस्टा पे आप नॉर्मली ऐसे फोटो बना के अच्छा खासा वो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने ऐसे खड़ा कर लिया उसे, हम अपने फ़ोटो पे इसे छोटा सा करके हम इसे ऐसे कर कर और अपने फ़ोटो के बिल्कुल बराबर में लगा लेंगे इस साइड में। इस साइड में लगाने के बाद इसमें थोड़ी हम अंडरलाइन दे देते हैं, तो इसमें हम जाते हैं अंडरलाइन में, अंडरलाइन वाइट कर देते हैं और वाइट करने के बाद इसका साइज थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो है इस साइड में आपको साफ नज़र आ रहा है मोहन हमने लिख दिया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका थोड़ा सा हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि कलर इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम कलर इसका ऐसा कर देते हैं जो बिल्कुल ही क्लियर नज़र आए। तो हम इसे करते हैं कोई कलर ऐसा कर देते हैं जो आपको नज़र आए तुरंत, तो हम इसे ब्लैक में कर देते हैं, ब्लैक साफ नज़र आएगा। तो देख सकते हैं हमने फ्रेंड लिख दिया है। तो फ्रेंड इसमें अपना ऐसे करके नाम आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड चलते हैं अदर ऑप्शन पे। ठीक है, अदर ऑप्शन आते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपको फोटो वगैरह ऐड करना है, कोई अदर फोटो ऐड करना है तो साथ में हम कोई और फोटो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये फ़ोटो सिलेक्ट किया और ऊपर ऐड पर क्लिक किया, जैसे ही ऐड पर क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे एक फ़ोटो को और ऐड कर सकते हैं नीचे के साइड में। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टा पे आप फोटो देखे होंगे, इस टाइप से फ़ोटो बहुत सारे ऐड हो जाते हैं तरह तरह के। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ क्लिक किया, ठीक है ये मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ ओके कर दिया, ओके पे आके दोबारा मैंने फ़ोटो पे गया, फिर मैंने एक फ़ोटो लिया, फिर आपको ऐड पे क्लिक किया। तो फ्रेंड इस टाइप से आपने देखा होगा फ़ोटो को ऐड करके बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से, और इंस्टा पे आप शेयर करेंगे आपके फ़ोटो पे अच्छी से अच्छी लाइकें मिलेंगी और अच्छे अच्छे कमेंट भी मिलने को होंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस टाइप से अपने फोटो को और भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपका फोटो किस टाइप से बन चुका है। और भी चीज़ें इसके अंदर आपको फ्रेम के ऑप्शन दिए गए हैं, ब्राउजर के ऑप्शन दिए गए हैं, और जैसे कि आप एक्स्ट्रा पे कभी आ होता है साइज वगैरह की दिक्कत आती है तो आप देख सकते हैं इस टाइप से बना के आप इसका कलर वगैरह देख रही है बैकग्राउंड का
जो पीछे का कलर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा फोटो बन चुका है। इसमें आप और भी चीज़ें जोड़ना चाहते हैं तो बैकग्राउंड का कलर रिमूव वगैरह, जैसे कि अदर बैकग्राउंड चाहिए आपको तो कर सकते हैं सारे के सारे बैकग्राउंड। कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज पे जाके अपनी इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड नीचे जाते हैं हम अपने इसमें डिजाइन पे, डिजाइन पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड इसके अंदर डिजाइन में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। डिजाइन में मैं आपको क्या बताऊँ, डिजाइन में आप एक बार खुद ही जाके देख लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं डिजाइन में, अपने फ़ोटो को कलर कर सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें दी गई हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड इसके अंदर थोड़ा हम बैक कर देते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन इतने दिए गए हैं जो आप यूज करते रहेंगे तो यूज करते रहेंगे, वीडियो कम से कम इतनी लंबी हो जाएगी, पूछे मत ना। तो फ्रेंड देख लीजिए, आपके सामने देख लीजिए ऑप्शन आ गए इधर में स्टिकर के, स्टिकर वगैरह लेना चाहते हैं तो स्टिकर भी यहाँ से ले सकते हैं और बेहतरीन बेहतरीन स्टिकर आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, उन्हें फिंगर क्लिक करना है आपको, जैसे ही फिंगर क्लिक करेंगे तो आप लगा सकते हैं, और इसको दिल का साइज़ को आपको छोटा बड़ा करना है तो वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत अच्छा चीज़ दी गई है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आता है आपका, ये आपने देखा होगा फ्रेंड बहुत कम चीज़ों में दिया जाता है, ये इफ़र्ट जो होते हैं बहुत बेहतरीन इफ़र्ट हैं। आप नॉर्मली इसे सेट करके आप देख सकते हैं, मैं इसे सेट करता हूँ और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कितना लुकिंग बाय लग रहा है देख लीजिए। अब इसे साइड में सेट कर देता हूँ तो कितना अलग ही लगेगा, इसकी लुक जो होगी फ्रेंड बिल्कुल ही अलग लगेगी। इसे मैं ओके कर देता हूँ तो आप देखते हैं बिल्कुल अलग लुक लगेगी, तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे फ्रेंड आगे तो आप देखते हैं इधर आपको दिल टाइप के अलग अलग वो मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं गुलाई साइड में आपको सेट करना है तो नॉर्मली मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके इसे मैं ऐसे ओपन सेट कर लेता हूँ। ओपन सेट करने के बाद देख सकते हैं फ्रेंड ये आपका फ्रेम में भी चढ़ जाएगा, तो ठीक है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आते हैं आगे के ऑप्शन पर, हमारा जो फ़ोटो था हमने, तो फ्रेंड हम चलते हैं आगे के ऑप्शन पे, हमने जो क्लिक किया था बैकग्राउंड, अब आ गया इसका फ्रेम। फ्रेम लगाना चाहते हैं तो तरह तरह के आपको फ्रेंड इधर फ्रेम मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो भी आप फ्रेम अपने फ़ोटो में लगाना चाहते हैं सारे के सारे फ्रेम आपको इधर मिलेंगे। तो ध्यान रखना आपको फ्रेम भी देख सकते हैं कितना लुकिंग बाय लग रहा है आपको इस फ़ोटो को, और ओनली बड़ा करके आपको सेट कर लेना है। देख सकते हैं मैं इसे सेट कर लेता हूँ और इसे राइट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने फ्रेंड राइट पे क्लिक किया तो आपका देखिए फ़ोटो कितना बेहतरीन बन गया। उसके बाद फ्रेंड आता है आपका टेक्स्ट, जैसे कि आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ स्टाइलिश कुछ बोलना चाहते हैं, लुकिंग बाय हाय हेलो हेलो वाओ वैसा भी है जो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वैसे आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारा कितना एडिट बन चुका है और इतना बेहतरीन आप फ़ोटो बना सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कैसे आपको पिक्सआर्ट ऐप को यूज करना है। तो फ्रेंड मैंने प्रॉपर कुछ कुछ ऐसे बेनिफिट आपको बता दिए हैं जो पिक्सआर्ट में आप अपने फ़ोटो को एडिट करने में यूज कर सकते हैं, नहीं तो पिक्सआर्ट पे इतने सारे ट्यूटोरियल बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी। जो मैंने जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे कैसे कैसे आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसके रिकॉर्डिंग मैं आगे चल के और भी ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊंगा कैसे पिक्सआर्ट ऐप से अलग अलग तरीके से अपने फ़ोटो को एडिट करेंगे। और भी वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों तरफ से। तो फ्रेंड एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, iOS के लिए भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय फ्रेंड।